क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला अब 27 जून को वेस्टइंडीज के साथ होगा। इस मैच को टीम इंडिया जीत जाती है तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो इस मैच के लिए टीम में भारी और बड़े बदलाव होना तय है और इसका बड़ा इशारा खुद कप्तान विराट कोहली ने दे दिया है। तो टीम में क्या क्या बदलाव तय हो गए हैं वो आपको बता दें। आप भी टीम को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। तो भारत का वर्ल्ड कप में छठा मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ 27 जून को दोपहर 3 बजे से मैनचेस्टर के मैदान में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय टीम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को काफी सारे अनुभव मिले थे और ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बदलाव का पूरा मन बना लिया है और मैनचेस्टर में अभ्यास सत्र में दिख रही तस्वीर तो यही कहती है। मैनचेस्टर में उन्हीं खिलाड़ियों को मेन नेट्स पर प्रैक्टिस कराई जा रही है जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे और मेन नेट्स पर प्रैक्टिस करने वाले 2 बड़े नाम भी शामिल हैं जो अब तक सिर्फ बेंच पर ही बैठे हैं। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल वही रहेगी। केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तीसरे नंबर पर भी कप्तान विराट कोहली आएंगे जबकि चौथे नंबर की बात करें तो यहां पर विजय शंकर का बार होना तय है क्योंकि शंकर लगातार 2 मैचों में बल्लेबाजी में दम नहीं दिखा पाए थे। हालांकि पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजी ठीक ठाक की थी लेकिन उन्हें 4 नंबर पर खिलाया जा रहा है तो उन्हें बैटिंग भी करनी होगी। लिहाजा नंबर 4 पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ऋषभ पंत को रखे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि पंत मेन नेट्स पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते उनमें एक्स फैक्टर भी है क्योंकि टीम इंडिया में उनके अलावा दूसरा बाएं हाथ का बल्लेबाज फिलहाल कोई नहीं है। 5वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे जबकि 6वें नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे, ये भी तय है। और 7वें नंबर पर आएंगे केदार जाधव। हालांकि जाधव के बैटिंग ऑर्डर में एक बदलाव हो सकता है और वो ये कि 4थे नंबर पर जाधव को आजमाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ऋषभ पंत 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे। अब गेंदबाजों की बात करें तो दोनों ही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का खेलना बिल्कुल पक्का है लेकिन दोनों रिस स्पिनर्स में से किसी एक को ही शायद इस मैच में खेलने का मौका मिले क्योंकि रविंद्र जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ खिलाए जाने की संभावना बन रही है। जडेजा लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें टीम में शामिल कर एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज तो शामिल होगा ही, साथ ही मैनचेस्टर की स्लो पिच पर जडेजा बॉलिंग में कमाल कर सकते हैं। अगर जडेजा टीम में आए तो चहर और कुलदीप में से किसी एक को बाहर होना होगा। तो ये होगी वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि ऋषभ पंत और जडेजा के आने से टीम कितनी मजबूत होगी और क्या दोनों को जगह मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।